अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम आपकी बुक कंप्यूटर की बुक का चैप्टर यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं। सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट, सो व्हाट इज सिस्टम यूनिट? सिस्टम यूनिट क्या है? जो कि आपके जो बॉक्स शेप पार्ट होता है कंप्यूटर का, उसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, जो कि जो बहुत से कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है और जिसका मेन रोल है आउटपुट हासिल करना फ्रॉम इनपुट से। ठीक है, मतलब आउटपुट हासिल करना इनपुट से। ठीक है, और उसकी एक्सटर्नल बॉडी जो होती है सिस्टम यूनिट की, उसे हम केजिंग कहते हैं। और केजिंग दो तरीके के होते हैं, एक होता है डेस्कटॉप केजिंग, दूसरा होता है टावर केजिंग। अब कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट, कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट जो हैं बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहला है सीपीयू। सीपीयू जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कंप्यूटर को पूरी तरह से प्रोसेस करता है, या यूँ कह लो कि वो जो है कंप्यूटर का पूरा एक तरीके का दिमाग है। जैसे हमारे जिस्म में सब कुछ, हम जो भी काम करते हैं, हमें दिमाग सिग्नल देता है तो हम काम करते हैं ना, हमें ब्रेन सिग्नल देता है तो हम काम करते हैं ना, इसी तरह से जो है सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है। और जो सारे सारे कंप्यूटर के जो ऑप्शन है उसको सुपरवाइज करता है, और सीपीयू सारे कंप्यूटर के पार्ट्स को भी कंट्रोल करता है, और वो डेटा रिसीव करता है जो भी हम आउटपुट को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उससे जो भी हम प्रोड्यूस आउटपुट करना चाहते हैं, जो भी हम काम करना चाहते हैं, उससे सारा डेटा जो है वो रिसीव करता है। और इसके कुछ मॉडल्स हैं जो के हैं, सच एज पेंटम आई वी, फिर उसके बाद ड्यूल कोर, कोर टू ड्यो, i3, i5, i7, etc। ये सारे जो हैं सीपीयू के जो हैं वो सीपीयू के मॉडल हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे पार्ट, अच्छा इसके नीचे है पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू जो है तीन तरीके का हैं, एक है ALU, दूसरा है CU और तीसरा है MU। तो पहला वाला जो है ALU, वो यूज़ होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के लिए, हम ALU यूज़ करते हैं। अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें हम किस तरीके के काम कर सकते हैं, एडिशन, सब्स्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह के जो हैं सिस्टम है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन यूनिट से किए जाते हैं। और लॉजिकल यूनिट से कौन से किए जाते हैं, दो नंबरों को कंपेयर किए जा रहे हों, और ये मालूम करने के लिए कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अब सीयू जो है वो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जितनी भी कंप्यूटर में एक्टिविटीज़ हो रही हैं सिस्टम में वो सारी कंट्रोल करता है। जब इसको हम बॉस ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं, यानी इससे सारा सिस्टम कंट्रोल होता है। इसके जो एवरी वर्क डन बाय कंप्यूटर इज इन द कंट्रोल ऑफ सीयू। तो सारा जो कंप्यूटर का जो वर्क है वो सीयू के कंट्रोल में ही होता है। और एमयू है मेमोरी यूनिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक शॉर्टेज मेमोरी होती है, जो हम फर्जी डेटा बोलते हैं ना, जैसे कुछ टाइम के लिए हम डेटा जो सेव करना चाहें वो हम इसमें सेव कर सकते हैं मेमोरी यूनिट में। और इसको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, जो कि कहलाता है रजिस्टर। फिर अगला जो सिस्टम यूनिट का कंपोनेंट है वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर इनसाइड सिस्टम के अंदर होते हैं, जैसे कि सर्किट बोर्ड वगैरह, वो एक पूरी तरीके से एक पूरा जो है सर्किट बोर्ड होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूरा जो है उसमें वायर्स होते हैं, जो कि फाइबर ग्लास कहलाता है, वो मेन बोर्ड या मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू जो है वो भी मदरबोर्ड के अंडर कंट्रोल होते हैं, मतलब मदरबोर्ड के बिना वो भी नहीं चल सकते। ठीक है, फिर इसके बाद है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। जी, पोर्ट्स होते हैं जो के सिस्टम जो के है ना सम मतलब एक सॉकेट होते हैं जो के
सिस्टम के बैक साइड पर होते हैं जिसे हम पोर्ट्स कहते हैं। पोर्ट्स जो है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, यानी छोटे छोटे तार होते हैं जो कि बिल्कुल जैसे माउस मॉनिटर कीबोर्ड सबको कनेक्ट करते हैं, वो पोर्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ भी है, पोर्ट्स आर यूज टू कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस लाइक माउस मॉनिटर कीबोर्ड प्रिंटर ETC। ठीक है, फिर इसके बाद है रैम। रैम जो है वो यूज़ किया जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। जब हम डेटा को पुट करते हैं कंप्यूटर में तो रैम जो है वो सारा रैम के अंदर वो सारी मेमोरी में सेव हो जाता है, सारा डेटा जो है वो इस मेमोरी में सेव हो जाता है और जब हमें वापस चाहिए होता है हम उधर से आसानी से ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने कंप्यूटर ऑफ़ कर दिया तो सारा डेटा जो है डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसीलिए ये कहलाती है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर। मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए वो उसके अंदर डेटा सेव होता है, लेकिन हम अगर कंप्यूटर को जो है ऑफ़ करके ऑन करते हैं तो फिर सारा डेटा उड़ जाएगा उसमें से। तो ये थोड़े टाइम के लिए जैसे मेमोरी शॉर्टेज मेमोरी सेव का एक पोर्शन है। ठीक है, फिर रोम। रोम यूज़ किया जाता है रीड ओनली मेमोरी के लिए और ये जो है परमानेंट मेमोरी होती है कंप्यूटर की। इसमें हम डेटा जो है स्टोर्ड कर सकते हैं और जब भी हमें वापस से कंप्यूटर खोल बंद करना हो तो उसके अंदर सारा डेटा मिलेगा। वो रैम के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, वी कैन नॉट चेंज और इरेज इट्स डेटा, और हम जो है इस डेटा को चेंज भी नहीं कर सकेंगे और इरेज भी नहीं कर सकते, इसे हम कहते हैं रोम। ठीक है, फिर इसके बाद है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जो सारी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर करती है, मतलब सेव करती है अपने पास। ठीक है, वो हार्ड डिस्क कहलाती है। इसके बाद है CD ड्राइव। CD ड्राइव जो है यूज़ किया जाता है CD रोम के लिए, बट कॉम्बो ड्राइव इज़ यूज टू रीड फ्रॉम और राइट ऑन CD इम्पैक्ट डिस्क। तो इसका मतलब है कॉम्बो ड्राइव जो है वो यूज़ किया जाता है लिखने के लिए और राइटिंग के लिए, लिखने के लिए और पढ़ने के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। जिसे हम जो भी CD के अंदर लिखा हो तो जो है इसे कहते हैं CD ड्राइव। इसके बाद है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या होता है, जो कंप्यूटर को जो है साउंड इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है। इस कार्ड के ज़रिए हम सारी चीज़ें सुन सकते हैं, जैसे कि ऑडियो सॉन्ग जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद हों वो सब सुन सकते हैं, या फिर कोई वीडियो गेम हो जो कि जिनकी साउंड्स बहुत अच्छी होती हैं, जिनकी म्यूज़िक्स अच्छे होते हैं, वो भी हम सुन सकते हैं उसके ज़रिए और हम उसको इंजॉय कर सकते हैं साउंड कार्ड। फिर है इसके बाद मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या होता है, जो कि है कम्युनिकेटिंग अदर्स कंप्यूटर, मतलब जो है सिस्टम यूनिट के अंदर दूसरे सिस्टम यूनिट में जो दूसरे कंप्यूटर से हमें कुछ चाहिए हो तो हम मेमोरी कार्ड लगा के उसमें से इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी ट्रांसफ़र करने के लिए मेमोरी कार्ड यूज़ किया जाता है। इसी तरह जैसे हम देखते हैं कि टेलीफोन जो है, टेलीफोन लाइन जो है उसके लिए अगर हम मॉडेम कार्ड यूज़ होता है, उसके लिए मॉडेम कार्ड क्यों यूज़ होता है, यानी हम जब किसी को फ़ोन करते तो सामने वाला का भी तो कनेक्ट होना चाहिए ना। इसी तरह मेमोरी कार्ड जो है कम्युनिकेटिंग अमंग कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर से हमें कम्युनिकेट करवाता है, तो मेमोरी कार्ड वो होता है। ठीक है, इसके बाद आएगा नेक्स्ट पेज पे VGA कार्ड। VGA कार्ड जो है वीडियो ग्राफिक एडाप्टर है के लिए यूज़ किया जाता है और इस कार्ड के ज़रिए हम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्क्रीन पर आराम से देख सकते हैं और इसकी एक अपनी ही मेमोरी होती है टू स्टोर डेटा, यानी डेटा को स्टोर करने के लिए। और इस कार्ड के इसका अगर ये कार्ड ना हो तो हम कुछ भी अपनी स्क्रीन पर नहीं देख सकते। इसके बाद है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर नहीं चल सकती, और पावर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर के हर एक सिस्टम को ताकि सिस्टम सही तरह चल सके। तो ये थे आपके कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट और यहीं पे आपका चैप्टर इख्तिताम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज़ भी बता रही हूँ इस वीडियो के एंड में, आपको इस बुक में पेज नंबर 29 पर
ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, बुक के अंदर ही करनी है, कॉपी में नहीं करनी। ये जितने भी लेबल द फॉलोइंग पिक्चर्स हैं उनके नीचे आपको सबके नाम लिखने हैं। मैं इसे जूम कर रही हूँ, आप आराम से देख लें कौन सा कार्ड है। हर कार्ड पे उसके नीचे नाम लिखना है, जैसे कि पहला है मॉडेम कार्ड, दूसरा है, दूसरे पे तो लिखा हुआ ही है पावर सप्लाई, तीसरा है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, चौथा है सीडी ड्राइव, फिर पांचवा है मदरबोर्ड और उसके बाद है हार्ड डिस्क। ठीक है, ये आपको बुक में ही फिल करना है। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा।